अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नगर है ये, पीएस के दौर है नीचे का उतार। यहाँ कुछ तरकारी नहीं, फ्रूट नहीं, हर चीज से कुछ सहूलत कुछ भी नहीं है। यहाँ हर तरफ अकबर अवैसी सब चारों तरफ बांट रहे, यहाँ तो कुछ भी नहीं। हमारे भी बच्चे छोटे छोटे है। अब जैसा कि हमारे अम्मी के पास भिजा के राशन मंगा रहे, खा रहे, कर रहे, किसका सपोर्ट तो कुछ नहीं है। यहाँ से बात कर रहे हैं, बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, कुछ हर वासी मोहताज हो गए हम लोग। अब बच्चों को कुछ खाने पीने रोक टोक हो रहा, बहुत ही रोक टोक हो रहा। बच्चों को कुछ खिला सक रहे नहीं हम लोग, है तो थोड़ा बहुत खिला रहे, कर रहे, दूध भी खिला रहे, परेशानी हो रही, पैसे नहीं रहने से। हर एक तो आदमी बेकार है, ना लॉकडाउन खुल रहा, नहीं कुछ नहीं। एक तो हमारे अम्मी उनके पास ही राशन वगैरह मंगा रहे, गुजार ले रहे हम लोग। अब जैसा कि अकबर ओवैसी है, बाबा नगर, मलकपेट, इधर उधर सब सपोर्ट दे रहे हो ये ना। पीएस के उतार के पास बांटे नहीं अब तक लाके, कोई भी नहीं बांटे। जैसा कि तरकारी बांट रहे हो, राशन वगैरह सब बांट रहे हो, न्यूज में देख रहे हम लोग। यहाँ का भी ख्याल करना ना, यहाँ भी गरीब है तो बच्चे मजबूर बैठे हैं, हर सब जगह बांट रहे, पानी नहीं है, बेवार, यहाँ तो कुछ नहीं है। अब ये वस्ती की इंक्वायरी कर सकते है, कैसे हालात है, क्या नहीं है, आप देख आगे। हाँ, यहाँ पे ये बस्ती में भवानगर पीएस के पीछे रहमत नगर है, तो यहाँ पर सब तरफ हर जगह बांट रहे, हर चीज दे रहे। ये तो गरीब बस्ती बोलते हैं, मगर यहाँ पे लाके कुछ भी नहीं दे रहे। सब करके खाने वाले है, किसका नदमिया है, किसका नहीं है, सब एच फ्रूट के बंडे वाले, ये वो महमाली करने वाले, एच लोग है इधर, तो गरीब बस्ती बोलते हर वक्त, मगर यहाँ पर कुछ भी ला के नहीं दे रहे। महीना डेढ़ महीना हो रहा लॉकडाउन होके, लेकिन मगर यहाँ पे कुछ भी नहीं ला के दे रहे, तो क्या बात है। यहाँ पे हर रोड दे बोल के आते हैं, सब करते हैं, मगर यहाँ पे कुछ भी नहीं ला के दे रहे। हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के तरफ से भी कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं आया ना क्या, किसके भी तरफ से नहीं मिल रहा है यहाँ पर, किधर से भी नहीं, कोई भी नहीं ला के दे रहे। ना हाइस वाले यहाँ पे मेहनत कर रहे, खा रहे, नहीं हाइस वाले अंदर भूखे रह रहे, शर्म के मारे बाहर निकल के कोई बोल रहा नहीं यहाँ पर। हुकूमत है ना प्राइवेट, हुकूमत बोल दे रही न यहाँ पर, कोई हाइस वाले पैसा हाइस वाले भी ला के नहीं दे रहे यहाँ पर। शर्म के मारे अंदर रहने वाले, इज्जत से खाने वालों को कुछ भी नहीं है, और क्या बोलते, गरीब बस्ती है बोलते यहाँ पर। हाइस वाले जा जाके खूब ले ले रहे, हर जगह ला ला के दे दे रहे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और क्या, कुछ भी गरीब बस्ती है बल्कि ला के यहाँ पर भी कुछ तो भी लाना ला के देना। यहाँ कहीं अमन नगर में या खुदपुरे में हर तरफ बांट रहे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अरे मगर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, लाख महीना डेढ़ महीना होने आ रहा, मगर आज तक कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर। यहाँ के लेडीज है कौन है बड़े, आके हमारे हिम्मत दिलाता अच्छा रहता, बेकार बैठे हुए हम मजबूर है, बच्चा बेरोजगार है, बच्चे छोटे छोटे है, पालने वाले कोई नहीं है, क्या नहीं है, मजबूरी से बोल के आपको बोल, यहाँ से एक पैसा भी नहीं दिया ना, एक चावल का दाना डाले हमारे को, गरीब हम बैठे हुए है। अब बोलो आप, इतना अमेले कौन है लीडर, यहाँ को आके वो बात करो, बोलो बस्ती में पूरा गवाह कर लो, समझे आप, इतनी मजबूरी, पूरा औरतें पूरा बेकार बैठे हुए, बच्चे मेरे बैठे है, इस ऐसे आपको ये बोल रहे। आप लोग जो देख रहे हैं, आप हमारे को मदद करो, हम गरीब है, और क्या बोलते हैं, सो परेशानियां है हम लोग, और कुछ भी नहीं, रमजान है, हम रोजा है, के दुआ देते हैं आप लोगों को, जो भी देना है आप मदद करो, बर्खास्त, हम बीमार आदमी, मजदूर आदमी, कहाँ जाना, किधर जाना, कुछ परेशानी हमारे को नहीं है। सुने आप लोग देखो, दुआ दे, हमारे कुछ करे तो अच्छा होता, आपके हक में दुआ देंगे, दिए तो, समझ रहे आप, हर रमजान है बोल के हम परेशान बैठे हुए, ना बच्चों को मंडी है, ना कुछ है, बेरोजगारा है, आप जो देख रहे हैं सो हमको गरीबी से मदद करो, आप सबको गरीबों को भी मदद करे तो दुआ लगेंगे आप लोगों को, समझ रहे आप, और मुसीबत हमारी बहुत है, हेल्प करो, इतने देख रहे ना परेशानी से, डेढ़ महीना होगा, आपके यहाँ के लीडर कौन है उनसे बात करो बस। असमपली याकूपुरा हल्के की ये बस्ती है, रहमत नगर इसका नाम है, यहाँ पे जो है किसी भी एमएलए के तरफ से, कोई भी प्राइवेट आदमी के तरफ से, किसी से भी कोई भी इमदाद यहाँ पे वसूल नहीं हुई किसी को भी। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से 500 रुपये मिले, स्टेट गवर्नमेंट से 1500 रुपये मिले, उसी में यहाँ के लोगों का गुजारा हुआ, और किसी से कोई मदद नहीं मिली। आप लोगों से गुजारिश है कि इधर भी तवज्जो दो, भाई नगर पीएस के बैक से तालाब कट्टे के टाउन में आप लोग इधर कोई भी तवज्जो नहीं दे रहे, कोई एमएलए, कोई काउंसलर, कोई भी हारे हुए या जीते हुए कोई भी कैंडिडेट इधर का दौरा नहीं कर रहे, कोई आके देख रहे नहीं कि यहाँ के हालात कैसे है। ये सलम एरिया है, सलम बस्ती है, और गवर्नमेंट बल्दिया के क्वार्टर्स है यहाँ पे, अभी भी पेपर्स बल्दिया में है इसके, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, एकदम ली
सलम एरिया है ये, जल्द से जल्द इधर इमदाद होना वो जरूरी है। एक महीने से बेकारी में बैठे हैं साहब, पूरा बेरोजगारी में है, और दूसरी बीमारी की तरफ से एक महीना हो गया है, डेढ़ महीने से जो है कुछ हमारे रोजी रोटी का जरिया नहीं है, और रमजान मुबारक है, और उसके लिए आप कोई जुड़ना कोशिश कर सकते हैं। अभी तक कुछ कोई भी कुछ जो है कोई चीज़ नहीं हासिल हो गई यहाँ पे, कोई चीज़ एक किलो चावल भी नहीं आया इधर।